स्वागत है आप सभी लोगों का रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न आपके मैथ के प्रश्न हैं और ये प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं, ये प्रश्न आपके घटना चक्र की बुक से लिए गए हैं। तो घटना चक्र की बुक में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं मैथ में वो सब यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं और ये आपको जो सामने लिखा गया है ये हमारा सिलेबस है, हमें इतने क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपके जो पिछला रेलवे का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें ये सारे प्रश्न आपके इतने सारे प्रश्न आए हुए थे, लगभग 1030 हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, टोटल 1030 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। इसमें हम लोग अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे कार्य और समय से, अब हमें उसी के आगे अपना दूसरा चैप्टर पाइप और टंकी स्टार्ट करना है। पाइप और टंकी चैप्टर में टोटल 8 प्रश्न हैं, ठीक है, और बाकी के हम लोग जो पीछे वाले चैप्टर छोड़ दिए थे थोड़ा आसान है इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है, बाकी के सारे चैप्टर को भी सॉल्व कराया जाएगा। इसके अलावा जब ये बुक खत्म हो जाएगी तो हम लोग जो अपना पिछला ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। जब तक इसमें हम लोग पेन चेंज करते हैं तब तक इसको प्रश्न को पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। प्रश्न में लिखा गया है एक ड्रम में पानी भरने की क्षमता, एक जो ड्रम है उसमें पानी भरने की क्षमता कितनी है, 0.6 है। तो अब यहाँ पहले इसका मतलब समझिए, 0.6 का मतलब कितना होता है, 0.6 का मतलब होता है इसको आप भिन्न में कन्वर्ट करिए तो 6/10 दशमलव हटेगा नीचे 10 रहेगा यानी कि 3/5 हो जाएगा, क्लियर। जब इसमें 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो ड्रम से 38 लीटर पानी निकाल लिया गया तो इसमें बचता कितना है, इसमें जो पानी बचा है वो 0.125 ये अनुपात में इतना पानी बचा है तो इसको भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए यानी भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए, दशमलव हटाएंगे दशमलव का 3 अंक है यानी 3-0 आपका लगेगा, इसको आप 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए तो ये 25 बार कैंसिल होगा और 5 × 10 ये आपका कितनी बार कैंसिल होगा, 200 बार, इसको 25 से कैंसिल आउट कर लीजिए, 25 × 8 = 125 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/8 और 0.6 की वैल्यू होगी 3/5। अब बात को ध्यान से समझिए, ड्रम की क्षमता लीटर में कितनी होगी हमें ये निकालना है। तो एक बार पहले चित्र बना के समझा देते हैं, प्रश्न तो बहुत ही आसान है। ये मान लीजिए पूरा ड्रम है, इतना इसमें पानी पूरा भरा हुआ है, इसमें मान लेते हैं ऊपर से हम लोगों ने 38 लीटर पानी इसमें निकाल लिया है, ठीक है। ये पूरा जो ड्रम था इसमें अनुपात में कितना पानी आता था, 0.6 पानी आता था। जब 38 लीटर पानी निकाल लेंगे तो ये जो बचेगा इस बचे हुए पोर्शन का रेशियो में जो वैल्यू है 0.125 है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है कि हमें कितना पूरे ड्रम में कितना पानी आता था, ठीक है। तो पूरे ड्रम में कितना पानी आता था, अगर फ्रैक्शन में बात करें हम पूरे ड्रम में पानी मान लेते हैं 1 लीटर आता था, पूरे ड्रम में कितना पानी आता था, 1 लीटर पानी आता था, ये हमने मान लिया है। अब यहाँ पर अपना प्रश्न सॉल्व करते हैं, तो जब पूरे ड्रम में 1 लीटर पानी आता था तो अनुपात में 3/5 है, तो x को ना करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। हमारा पानी कितना बचा है, 1/8 बचा है, 1/8 किसका, 1/8 टोटल का 1/8, और टोटल हमने कितना माना है, x माना है, तो पानी बचा कितना है, x बटे 8, पूरा टोटल कितना पानी है, 3x/5, ठीक है, क्योंकि टोटल हमने कितना मान लिया है, 1 लीटर टोटल पानी मान लिया है। अब इसको समीकरण में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, टोटल हमारे पास कितना पानी है, 3x/5, इसमें से हम लोग कितना निकालें, 38 लीटर पानी निकालें तो कितना पानी बच रहा है, x/8 हमारा पानी बच रहा है, यानी टोटल 3/5 x हमारे पास पानी है, उसमें से हम लोग 38 लीटर पानी निकाल लेंगे तो कितना बच रहा है, x/8, यही हमारा समीकरण बन रहा है। टोटल में से आप 38 लीटर निकालेंगे तो नीचे वाला जो पानी बचा है उसकी वैल्यू कितनी है, x/8, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं, ये 3x/5 यहाँ इसको नीचे ले आएंगे तो x/8 हो जाएगा, बराबर 38 घर चला जाएगा, इसमें आप 8 × 5 कैल्सियम लेंगे तो 40 हो जाएगा और 40 गुणा आप सीधे इधर इस तरह कर भी दीजिए, ठीक है, 8 इधर गुणा करेंगे, 8 × 8 = 24 हो जाएगा, −5 इधर गुणा करेंगे तो 8 नहीं है, 1 है, यहाँ पर अभी तो गलती हो जाएगा प्रश्न का, ये 5 और यहाँ पर 1 x है, ठीक है, ये जल्दी वाली में लिखा गया है, x/8 हम लोग इस तरफ लाए थे, यहाँ इसको एक लिखने जो लूंगी x/8 है, यहाँ पर गलती हो जाएगा तो 5x रहेगा, 24 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 19x बचेगा, बराबर हो गया 38 × 40, 19 से 38 कैंसिल आउट होगा, 2 × 2 = 40 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू x बराबर कितना आ गया, 80 आ गया,
ऐसे तो हमने माना था टोटल कितना पानी आता है इस टैंक में, इस बर्तन में कितना पानी आता है, ड्रम में ऐसे लीटर माना था। ऐसा आंसर आपका 80 लीटर आ चुका है, 80 लीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही रहेगा। तो आसान प्रश्न था, थोड़ा सा मीटर बना के सॉल्व करना था और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर का प्रश्न कह रहा है दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। चलिए इतना पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पर कुछ लिखते हैं। क्या लिखेंगे अपना समीकरण बनाएंगे कि ए और बी दो पाइप हैं, ये कितना लेता है 12 मिनट, ये वाला कितना लेता है 16 मिनट, ये हमारा समझ लिया गया मिनट में। इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो वही हमारा टी डब्ल्यू टोटल वर्क कहलाता है। तो 16 3 16 3 48, ये 48 रहेगा, 16 की 48 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 12 पढ़ा पढ़ेंगे 12 4 48, 16 पढ़ा पढ़ेंगे 16 की 48, ठीक है। ये क्या निकल के आता है, ये इफिशियंसी निकल के आता है। तो जब दिन का आप टोटल वर्क में भाग देते हैं तो हमारी क्षमता निकल के आती है, यानी ए पाइप की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है और दोनों भरने वाले पाइप है, इसलिए इन दोनों की क्षमता प्लस में रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं परंतु टैंक भरने के 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो समीकरण बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, नंबर लाइन का यूज करेंगे। तो चलिए नंबर लाइन का यूज करते हैं। नंबर लाइन का यूज करने का मतलब होता है, तो आप लोग वर्क एंड टाइम का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत समझाया जा चुका है कि हम लोग काम को करने के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ से काम कुछ नहीं हुआ यानी 0 वर्क पर, धीरे 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 हम लोग काम करेंगे और टोटल कितना काम खत्म करना है 48 वर्क हमें खत्म करना है। तो जब इतना खत्म हो जाएगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब प्रश्न को हम पढ़ते जाएंगे और अपना समीकरण बनाते जाएंगे। देखिए दूसरी लाइन से प्रश्न पढ़िए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, यानी शुरुआत में हमारे काम कौन करेगा, दोनों पाइप करेंगे, धीरे धीरे ये काम करते जाएंगे परंतु टैंक भरने के 4 मिनट पहले, मान लेते हैं यहाँ पर 4 मिनट पहले, टैंक भरने के 4 मिनट पहले, यहाँ पर 4 मिनट अभी बचा हुआ है टैंक भरने में, किसको बंद कर देना है, ए को बंद कर देना है, यहाँ पर ए को बंद कर देते हैं। तो ए को बंद कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक काम कौन करेगा, बी करेगा। तो टैंक कितने मिनट में पूरा भर जाएगा ये ही हमें निकालना है, ठीक है। अब ये समीकरण बने, इसी समीकरण पे आप अपना दिमाग लगाइए, यहाँ से यहाँ तक सोचिए, यहाँ से यहाँ तक कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, बी की क्षमता कितनी है, बी की इफिशियंसी 3 है, तो 4 मिनट बी काम करेगा, 3 की क्षमता से काम करेगा, कितना काम कर लेगा, 12 वर्ग आपका काम कर लेगा। जो समय होता है इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करने से वर्ग निकल के आता है। टोटल हमें कितना काम खत्म करना था, 48 काम खत्म करना था, 12 वर्ग मानी 12 काम यहाँ से यहाँ तक दिन खत्म किया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना काम किया होगा, तो 48 में से 12 घटा दीजिए, तो 48 में से 12 घटाएंगे तो आपका 36 वर्ग आएगा। ये 36 वर्ग किसने किया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो ए और बी दोनों मिला के क्षमता इफिशियंसी कितनी है, 4 3 7, तो 7 इफिशियंसी दोनों की मिला के है, ठीक है। तो दोनों को मिला के ए और बी की इफिशियंसी 7 है, कितना काम हमने किया, 36 काम किया, तो उनको टाइम कितना लगा हुआ और टाइम हमारा मिनट में, चीज का ध्यान किया, वर्ग में हम लोग इफिशियंसी का भाग करते हैं तो टाइम निकल के आता है, इसको भाग करते हैं 7 15 35 पूरा 35 जाएगा और कितना रहेगा, 1 बचेगा और नीचे 7 रहेगा, यानी 5 सही 1/7 मिनट आपका आंसर आएगा। इसको हम लोग 5 से 1/7 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके इसको आप दोनों चाहिए, चाहे इस तरीके से लिखिए और चाहे इस तरीके से लिखिए, ठीक है। तो अलग अलग करने से मतलब क्या हुआ, ये पूरी पूरी बात जा रहा है, यानी ये हमारा मिनट में है, ये फ्रैक्शन में जा रहा है, इसको हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका 4 मिनट पहले से ही है। अब आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिर्फ ऑप्शन पे एक बार नजर दौड़ा लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक आपका 5 मिनट लग रहा है और कुछ सेकंड लग रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल टाइम हमारा कितना निकल गया, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट और प्लस 1/7 मिनट, इसको भी सेकंड में बदलना है, और यहाँ से यहाँ तक कितना मिनट है, 4 मिनट है, यानी कि अगर हमारा सीधा सीधा देखा जाए तो 5 4 9 9 मिनट और कुछ सेकंड आंसर आएगा, ठीक है, सेकंड में कुछ कन्वर्ट करेंगे तो 9 मिनट कुछ सेकंड, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑप्शन नंबर ए पे आप निशान लगाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 10 मिनट है, ये 11 मिनट है, 11 मिनट समथिंग है, तो आपको 9 मिनट कुछ सेकंड आंसर आ रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 5 4 9 मिनट। अगर आपको पूरा आंसर निकालना ही है तो चलिए निकाल लेते हैं, 9 मिनट हो ही गया है, 5 4 9
वो 1/7 यूनिट है, इसको गुणा कर दीजिए, मिनट को सेकेंड बना लीजिए, 60 से गुणा कर लेंगे तो 9 मिनट ये आपका आंसर रहेगा, और 7 करेंगे 7 8 56 तो लगभग में 8 सेकेंड, लगभग में 8 सेकेंड आएगा, 9 मिनट 8 सेकेंड लगभग में आपका आंसर आएगा। लेकिन पूरा आंसर हमें नहीं निकालना है, एग्जाम में हमें विद्वान नहीं बनना है, सिर्फ ऑप्शन चूज करना है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर टिक लगाना है, आपको टिक लगाने का नंबर मिलता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप अपना जो ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन पे आप हमेशा ध्यान रखते रहिए, और जो भी आप जब भी आपका ऑप्शन मिल जाएगा तो फिर टिक लगा दीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ जाइए, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है एक टैंक को 30 मिनट में भरा जा सकता है, तो चलिए कोई बात नहीं, को ये मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई पाइप है वो 30 मिनट में भर सकती है, ये हमारा जो समय है मिनट में दिया गया है। टैंक में रिसाव के कारण, टैंक में रिसाव है जो टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, तो एक नीचे छेद है, रिसाव है जो कि टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है, और आप जानते हैं भरने वाला जो होता है वो प्लस में होता है, जो रिसाव यानी खाली करने वाला होता है वो माइनस में होता है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितना, इन दोनों की सॉरी एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा, 90 हमारा क्या कहलाएगा, टीडब्ल्यू टोटल वर्क कहलाएगा। 30 का 90 भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 90 का 1 भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा। आप ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिएगा कि भी आप खाली करने वाले रिसाव की बात कर रहा है तो उसकी क्षमता माइनस में होगी, ए भरने की बात कर रहा है तो उसकी क्षमता हमेशा प्लस में होगी, भरने वाले जो नल होते हैं उनकी क्षमता प्लस में और खाली करने वाले नल की क्षमता माइनस में, ये हमारा एफिशिएंसी के बारे में बताया गया है। अतः टैंक को भरने कितनी देर में भरा जाएगा, यानी कि ये जो लैंग्वेज लिखी गई है ये अधूरी लैंग्वेज लिखी गई है, इसमें लैंग्वेज ये होनी चाहिए कि यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए दोनों को यानी ए प्लस बी दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितनी है, तो ये 3 प्लस में 1 माइनस में कितना रहेगा, प्लस के 2 रहेगा, ठीक है। अब आप टाइम को निकालना जानते ही हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, जो हमें काम करना होता है 90 काम करना होता है उसमें क्षमता का भाग कर देते हैं, तो कितना हमें आंसर आ जाएगा, आपका 45 मिनट आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और ये 45 मिनट ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में आपके 2 बार आ चुका है, यानी कि 6 अप्रैल को आया है, उससे पहले आपका 31 मार्च को ही प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर पर। एक तेल के टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं, यानी कि एक कोई टैंक पाइप मान लेते हैं जो उसको 15 मिनट में भर सकता है, तो ये हमने क्या मान लिया है, इसका टाइम मान लिया है। हालांकि तेल टैंक एक रिसाव पाइप के माध्यम से खाली किया जा सकता है जो 30 मिनट में खाली कर देता है, तो एक पाइप और लगा है जो उसमें रिसाव होता है, यानी को खाली करने वाला पाइप लगा है वो 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, तो टीडब्ल्यू टोटल वर्क कितना रहेगा, इन दोनों कैल्शियम कितना होगा, 15 30 रहेगा, 15 30 अब ये रिसाव वाला है, हाँ रखिए यहीं पर गलती हो जाती है कि बी हमारा रिसाव वाला है यानी खाली करने वाला है, खाली करने वाले जो क्षमता होती है वो हमेशा माइनस में होती है, ये हमारी एफिशिएंसी दिन का ये समय का जब टोटल वर्क में भाग करते हैं तो एफिशिएंसी निकल के आती है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि ये निकास पाइप खुला रहता है तो इस टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, तो इसके कहने का मतलब है रिसाव पाइप भी खुला हो और भरने वाला पाइप भी खुला हो, दोनों खुला हो कितना समय लगेगा, तो अगर दोनों खुला हो खुले रहेंगे तो इनकी क्षमता कितनी रहेगी, 2 प्लस में 1 माइनस में, इसकी हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। अब टाइम कितना हो जाएगा, टाइम तो आप निकाल सकते हैं, जितना काम करना हो, काम कितना करना है 30, उसमें टोटल क्षमता का भाग कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 30 मिनट आपका आंसर आ जाएगा, 30 मिनट ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहेगा। पांचवें नंबर का प्रश्न कह रहा है एक कप में 2 छिद्र हैं, चलिए एक कप है छोटा सा उसमें 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र कप को 11 मिनट में खाली कर सकता है, यानी श्रेय मान लेते हैं 11 ये समझ लिया गया है 11 मिनट में खाली कर देगा, ठीक है। दूसरा छिद्र कप को 6 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा वाला भी है ये भी खाली करने वाला ही है, 6 मिनट में दोनों खाली कर सकते हैं। अब पहले से हम लोग टोटल वर्ट निकालेंगे, टोटल वर्ट कितना होगा 11/6 का, आपका टोटल वर्ट आएगा 66, तो टी डब्ल्यू कितना होगा 66 होगा, 11/66 में 66 में पढ़ेंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 6 में पढ़ेंगे तो 11 बार जाएगा,
दोनों खाली करने वाले हैं, इसलिए इन दोनों की जो क्षमता होगी वो माइनस में होगी, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, -6 -11 कितना हो गया, -6 17। ये माइनस का चिन्ह सिर्फ आपको ये बताता है कि टंकी को खाली कर रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, टंकी को खाली कर रहे हैं, बाकी इसको कैलकुलेशन में हमें यूज नहीं करना है माइनस के निशान को। आगे बढ़ते हैं, टोटल काम कितना करना है, हमें चार्ज करना है, चीज को ध्यान रखिएगा। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा हो, दोनों छिद्रों को कप को कितनी देर में खाली हो जाएंगे, इसके कहने का मतलब यदि दोनों छिद्र एक साथ खुल गए हैं या खुले हों तो हमें कितना समय लगेगा कप को खाली करने में, हमें टाइम निकालना है, और टाइम किस में आएगा, मिनट में आएगा। आपको पता है टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना हमें काम करना होता है उसे ऊपर लिखते हैं, और जिस क्षमता के साथ काम करना होता है उसे नीचे लिखते हैं। दोनों की फ्रीक्वेंसी 17 के नीचे लिखेंगे, 17 कर देंगे, 17 के 51, 66 में से 51 जाएगा तो बचेगा 15, और नीचे रहेगा 17, तो 3 से ही 15/17 हमारा आंसर रहेगा, 3 से ही 15/17 ऑप्शन नंबर डी ये हमारा सही रहेगा। और ये आपके 3 बार पेपर में आ चुका है, 1 बार 3 मई को आया है, फिर 7 अप्रैल और 22 अप्रैल 3 बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने 6 प्रश्न पर। हमारा 6वां प्रश्न भी सेम ही टाइप का प्रश्न है, और इसको जल्दी से करते हैं। पहले जो एक टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला टैंक पहला छिद्र क्या करता है, 3 मिनट में टैंक जो टैंक है वो खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। आप यहाँ देख लीजिए कैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, सिर्फ उतना हमें आप इस क्वेश्चन में लिखेंगे। तो पहला है 3 मिनट, दूसरा है 5 मिनट, इसकी आपका टोटल कितना आएगा, 15 आएगा, 3 5 15 आएगा, 5 15 आएगा, दोनों हमारे किसमें रहेंगे, माइनस में रहेंगे। और अगर दोनों को इकट्ठा लिख दिया जाए तो ए प्लस बी दोनों को इकट्ठा लिखा जाए तो हमारी क्षमता कितनी हो जाएगी, -8। ठीक है, यदि दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो दोनों एक साथ अगर खोल दिए हैं तो टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो आप क्या करते हैं इफिशियंसी का टोटल वर्ड में भाग करेंगे, तो हमारी क्षमता 8 है, और कुल हमें काम कितना करना है, 15 हमारा लिखना है, सिर्फ आपके 4-5 शब्द लिख के ही आपको आंसर देना है, बाकी यहाँ पर हम जो लिखते हैं वो समझाने के लिए लिखा जाता है, तो आपको उतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, दोनों की क्षमता माइनस में रहेगी क्योंकि दोनों खाली करने वाले छिद्र हैं। अगले बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। 6 नंबर हमारा पूरा हो चुका है, 7वें नंबर का प्रश्न आ चुका है। पेन चेंज करने के बाद इसको जल्दी से करते हैं। पानी से भरे 2 गिलास हैं जिसमें 2 छिद्र हैं, चलिए अच्छी बात है। पहला छिद्र गिलास को 9 मिनट में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है 9 मिनट में। दूसरा छिद्र गिलास को 3 मिनट में खाली कर सकता है, यार ये तो एक बार वाली की सवाल आ रहा है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है, दोनों छिद्रों को एक साथ पानी रिसने पर गिलास कितनी देर में खाली हो जाएगा, कहने का मतलब है कि दोनों अगर एक साथ रिसाव हो रहे हो तो कितनी देर में खाली हो जाएगा। इसका टोटल वर्ड कितना रहेगा, TW हमारा 9 रहेगा, 9 1 9 रहेगा, 3 3 3 9 रहेगा। ठीक है, ये हमारी क्या निकलाई, क्षमता निकलाई, बहुत ही आसान प्रश्न है। दोनों खाली करने वाले हैं यानी दोनों की क्षमता कितनी होगी, माइनस में होगी। अगर दोनों की इफिशिएंसी जोड़ देंगे कितना आएगा, -4 आएगा। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए आप जानते हैं जितना काम करना होता है उसमें इफिशिएंसी से भाग कर देते हैं। ये माइनस का चिन्ह सिर्फ ये बताने के लिए कि आपका जो दोनों छिद्र हैं वो खाली करने वाले छिद्र हैं। 4 का भाग कर दीजिए 4 2 8 1 बचे और नीचे रहेगा 4, तो 2 से ही 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, 2 से ही 1/4 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बार बार एक ही टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। चलिए आज के लिए आखिरी प्रश्न करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हमारे 8 प्रश्न ही दिए गए हैं, तो आखिरी प्रश्न करते हैं। ये भी सेम ही है, एक ही प्रश्न बार बार आ रहा है। पहला छिद्र 8 मिनट में, दूसरा छिद्र 12 मिनट में खाली करता है, यदि पानी में भाव की दर स्थिर है तो कितने मिनट में खाली हो जाएगा बर्तन, यही आपको बार बार निकालना है। और आपको पता है कि रेलवे NTPC क्या करते हैं कि जो एक बार एग्जाम में प्रश्न दे देता है वही आपकी 1-2 महीने से देता रहता है, क्योंकि आपका एग्जाम तो 2-3 महीने तक चलता है। तो चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 12 2 24 24 आपका टोटल वर्क होगा। आप 3-4 बार जो इस प्रश्न कर चुके हैं इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 3 24 रहेगा और 12 2 24 रहेगा, ये दोनों खाली करने वाले हैं यानी दोनों माइनस में होंगे। अगर टोटल इफिशियंसी दोनों को मिला दिया है तो कितना होगा, -3 -2 हो जाएगा 5। अब आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने की क्या करते हैं, जो हमें काम करना होगा यानी 24
करना है उसमें हम लोग इफिशियंसी से भाग कर देते हैं, तो भाग कर दीजिए 5 × 20 और 4 बचेगा, नीचे रहेगा 5, यानी 4 × 4 = 5 हमारा आंसर रहेगा, 4 × 4 = 5, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा। तो ये हमारे नल और टंकी के कुछ प्रश्न थे, आपके टोटल घटना चक्र में सिर्फ 8 प्रश्न ये गए हैं, तो पहले हम लोग इस बुक को घटना चक्र को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो अगली बुक पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे प्रश्न आपके दोबारा मिलते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।